نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقتة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, Welcome to our eighth part of our Islamic history short course. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जिस तरह से डिसाइड किया था कि रमजान रमज़ान से पहले पहले हम लोग ये शॉर्ट हिस्ट्री कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग अपने ट्रैक पर चल रहे हैं आज के बाद सिर्फ दो सेशन और होंगे और फिर हम पूरा कंप्लीट इस्लामिक हिस्ट्री और फिर बल्कि जन्नत दोजख और आखरत का वक़ इंशाल्लाह वो भी कवर कर लेंगे आज का एक्सक्यूज <coughs> मी आज का जो पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा है आई होप कि इंशाल्लाह आप सब लोग अपने साथ चाय कॉफ़ी सब ले आए होंगे या बीच में रिफ्रेश कर लीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर हर सेशन ही इंपॉर्टेंट होता है और मैं हर दफ़ा मेंशन करता हूं क्योंकि आज हम उस्मानिया खिलाफत के जो आखिरी एदवार थे उसको ब्रीफली देखेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने उसको ऑलमोस्ट मेजर पार्ट कम्प्लीट कर लिया था इसके अलावा जो बीच में कुछ चीज़ें हैं यानी अगेन मेरी क्लास का जो टाइटल है कनेक्टिंग द डॉट्स अगर हम वो डॉट्स कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमें इस्लामिक हिस्ट्री को पूरी समझना मुश्किल होगा तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा जिसमें सऊदी ऑटोमन वॉर्स भी हैं जिसमें उस्मानिया खिलाफत और सऊदी हुकूमत के सऊदी सौधी, सऊदियों के साथ आपस में जंग हुई और इसके अलावा फिर छोटे छोटे से ऐसे इश्यूज हैं वर्ल्ड वॉर हो गई फिर आपके जो है दिल्ली सल्तनत तो फिर कोर्स हम आज का जो मेन टॉपिक है वो मुग़ल अम्पायर है लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम कनेक्ट कनेक्ट करते हुए इन आगे चलेंगे अच्छा तो अब देख लीजिए कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं अब्बासी खिलाफत भी हो गई ऑटोमन अम्पायर भी हो गई लेकिन अभी हमने मुग़ल अम्पायर कंप्लीट नहीं की थी हमने अब्बासी खिलाफत कायरों का भी देख लिया था ये सारी मुमलकतें हो चुकी थी अब हम दहली सल्तनत ऑटोमन अम्पायर तैमूरद अम्पायर मुग़ल अम्पायर और सफवीद अम्पायर को पैराले लेके चलेंगे लेकिन मेन जो सॉरी ऑटोमन अम्पायर नहीं मुग़ल अम्पायर और मेन जो हमारा टॉपिक होगा वो मुग़ल अम्पायर होगा ये सारी चीज़ें अलहमद हमने कवर कर ली अपनी पिछली क्लासों में मैं सिर्फ इसलिए स्लाइड्स रखता हूँ ताकि आप लोगों को एक रिमाइंडर रहे तो हमने सलजोस क्रोसेड मंगोल्स और ऑटोमन अम्पायर की बात की थी लास्ट में आज हम जो है वो इनशाला एंड ऑफ ऑटोमन अम्पायर ऑटोमन अम्पायर और सऊदी वॉर ओस्मानिया खिलाफत और सऊदी जंग और फिर खिलाफत के बाद का जमाना क्या हुआ अच्छा हमने जो स्मानिया खिलाफत की बात की थी उसमें जो अब्दुल मजीद के जो बेटे थे अब्दुल हमीद ये तकरीबन समझें कि आखिरी एक ऐसी आ, ऐसी एनर्जी थी जो सामने आई और ऐसा लगा कि उस किस्मानिया खिलाफत दोबारा से रिवाइव हो जाएगी इन्होंने थर्टी थ्री ईयर्स हुकूमत की और, और ये इनको ही वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेट ऑटोमन रूलर एक बिल्कुल एंड में थर्टी सुल्तान थे ये और जब वो पावर में आए तो उस वक्त एम्पायर पूरी कोलेप्स हो रही थी कॉलोनाइजेशन शुरू हो चुकी थी बहुत सी इश्यूज थे इजिप्ट कॉलोनाइज ब्रिटिश ने इजिप्ट को कॉलोनाइज़ कर दिया था इंडिया को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनाइज़ कर दिया था दिल्ली सल्तनत जो है उस वक्त खत्म हो चुकी थी क्योंकि ज़्यादा पता है ऑटोमन अम्पायर तो नाइनटीन ट्वेंटी फोर तक चली है जबकि मुग़ल अम्पायर वगैरह सब इससे पहले एटीन फिफ्टी सेवन में ख़त्म हो गई थी तो ये सारी चीज़ें समझें पैरल ये सब चल रही थी और ख़त्म हो रही थी तो मुसलमानों का जोर पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से टूट रहा था अच्छा ऑटोमन अम्पायर के जो समझिए कि तीन मेन रीज़न थे जिसकी वजह से ऑटोमन अम्पायर एक तो ये कि राइज ऑफ नेशनलिज़्म हुई लोगों ने इस्लाम को छोड़ के तुर्क का नारा लगाना शुरू कर दिया और यंग टर्कस पैदा हुए जो यंग टर्कस यूरोप के कुछ इलाक़ों में उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और उसके बाद फिर वो समझे मुसलमान लैंडस में आए और ये यंग टर्क का एक सिलसिला था जिसने नेशनलिज्म का नारा लगाया और वो फिर आगे हो गए इसके अलावा ग्रीक्स ने थे जो ग्रीक्स में थे वहां भी मुसलमान थे अरब्स थे जब उनके अपने नारे थे तो ये सारों ने अपना अपना नेशनलिज्म का नारा लगा दिया इस्लाम के एक कंबाइंड नारे को छोड़ के फिर ये कि कॉलोनाइजेशन बहुत बड़ी तेजी से शुरू हो चुकी थी और बल्कि अब तो पूरी छा गई थी रशियंस डच ब्रिटिश फ्रेंच और इन लोगों ने अब मुसलमानों को वर्ल्ड वॉर वॉर के बाद जो है वर्ल्ड आपको याद होगा 1914 में हुई तो ये इला, ये बिल्कुल वही वाले हालात हैं उस वक्त तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा कॉलोनाइजेशन uh, की वजह से ब्रिटिश का और फ्रेंच का और दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा जोर था इंटरनल रेबेलियंस रिबेलियंस जो थे उनमें सऊदी रेबेलियन था उसकी हम आज इंशाल्लाह जिक्र करेंगे तो ये तीन मेन रीजंस थे जिनकी वजह से जो है हैिया खिलाफत ख़त्म हो गई अब्दुल हमीद को किन किन चीज़ों से डील करना पड़ा ये जिन जिनका अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये जैनिस्ट उस वक्त पैदा हो चुके थे 1907 में समझे 18 के 1800 के आखिर में उन्होंने अपने बातचीत शुरू कर दी तो 97 1907, 1907 में बाकायदा उन्होंने एक एक्टेबलिश कर ली थी जाइनजम और जो है वो अपने हुकूमत बना रहे थे बैंक्स खरीद रहे थे जितने बड़े बड़े जोश बिजनेसमैन थे तो उन्होंने फिर ये डिसाइड कर लिया था अपने समझिए कि अपने जो जो वो आ, क्या कहना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसने जिसमें वो लिखते हैं कि हमें क्या क्या करना है काम ऐसे उनमें एक ये था कि हमें पैलेस्टाइन को वापस लेना है तो ये सारी चीज़ें चल रही थी जायनस छा चुके थे कॉलोनाइजेशन हो रही थी जो पैलेस्टाइन को जो है वो ब्रिटिश ने जो है उसको अपने जहरपा कब्जे में ले चुके थे और फिर वो आता हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने जो है वो गिफ्ट किए वहाँ के लोगों को सिर्फ इस वजह से कि उनको डिवाइड कर सकें तो ये सारी चीजें इंटरनल टक्स जो थे वो यंग टक मूवमेंट वाज़ मूवमेंट विद इन ऑटोमन एम्पायर और फिर ये सारी चीजें यंग की जो है ग्रीस में और दूसरे यूरोप के ममालिक में भी शुरू हुई तो उन्होंने आखिरकार इसको भी डिपोज करवा दिया उसके बाद दो और आए सिर्फ एक नौ साल के लिए मेहमद पांच और मोहम्मद शशम यानी सिक्स फॉर चार साल के लिए आए और उसके बाद अब्दुल हमीद दोम आए वो भी बिल्कुल वो थे यानी कि अब्दुल हमीद अव्वल का मैंने अभी जिक्र किया अब्दुल हमीद भी दो सिम्बॉलिक लोगों के अंडर में थे और फिर ये सारी हुकूमत जो है वो आप समझिए कि ख़त्म हो गई अच्छा कोलैप्स का रीज़न जैसे मैंने आपको बता दिया कि नेशनलिज्म का डेंजर था डेंजर ऑफ मुस्लिम्स इग्नोरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब इस मौके पे पहुंच के मुसलमानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ना छोड़ दिया था बहुत से ऐसे नाम नहाद दीनदार लोग थे जिन्होंने इसको कुफर का फतवा दे दिया था कि हम दुनिया की दुनिया की नॉलेज हासिल करेंगे तो हम इस्लाम पे नहीं चल सकेंगे आ, फाइटिंग इंटरनल फाइटिंग हो रही है मॉडर्न मॉडर्निज्म जो है ये भी अब शुरू हो चुका है लोग जो है बहुत सेकुलर माइंडेड हो रहे हैं वक्फ का जो सिस्टम मुसलमानों ने बनाया हुआ था आ, आ, उसने बेसिकली हेल्थ केयर एजुकेशन और एनिमल केयर वगैरह के औकाफ बने हुए थे इन चीज़ों के ऊपर अब ब्रिटिश को और दूसरी फोसेज को कब्ज़ा करना था ताकि वो इन्हीं चीज़ों पर पैसे बना सकें और लोगों को फ्री में जो है सर्विसेज ना दें फिर उसके जो बहुत से रीजन थे औकाफ को खत्म कर दिया गया इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग शुरू हो गई इसी जमाने में जो जर्निज्म शुरू हुआ था तो इन लोगों ने पहला इंटरेस्ट बेस्ड बैंक बनाया और उसके अंदर फिर, फिर फिर सारी दुनिया आज तक हम उसी सिस्टम में मज़ीद से मजीद धंसते चले जा रहे हैं मॉडर्निस्ट फ़िख़ आनी शुरू हो गई नए लोगों ने अपनी फ़िक शुरू की और उसके अंदर बहुत से एक्सट्रीम के ऊपर चले गए थे नेशनलिस्ट आइडेंटिटीज़ आ गई थी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स सऊदी अरब में बहुत शुरू हो गए थे वहीं से दो चीज़ों ने आप समझिए कि जो जिनको आज हम वहाबी और सलफ़ी कहते हैं वहीं से इन थॉट्स ने जन्म लिया और इनशाला इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा अच्छा ये जो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जो हम स्मानी सऊदी और ऑटोमन की जो बता रहे हैं ना ये बहुत ज्यादा हिडन है हिस्ट्री बुक्स से आप लोगों को ये बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी हिस्ट्री की बुक्स में क्यों क्योंकि एक इस्लामी दुनिया पे सऊ सऊदी अरब ने जब कब्जा किया आपने शुरू से नोट किया होगा कि जिसके पास भी हिजाज था यानी जिसके पास भी मक् मुकरमा और मदीन मनोवरा का कब्जा था वो लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे और वो इस्लाम के एक तरह से अजारादार थे के मतलब ये कि जो, जो वो एक लीडरशिप लीडरशिप ले लेते थे, थे तो जब सऊदियों ने उस्मानिया खिलाफत को हरा के जब लीडरशिप ले ली वहां की तो फिर उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें जो उनके फेवर में नहीं जा रही थी उन्होंने हिस्ट्री बुक से निकाल दी और अपनी हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें अपने मुताल रखी ऑटोमन अंपायर तो खत्म हो गया था उस जमाने में या उस जमाने में खत्म हो रहा था जब ये वॉर शुरू हुई है तो उस वक्त ऑटोमन अम्पायर का मक्का मकरमा मदीना पे कब्जा था लेकिन ये फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो मैं आप लोगों से बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो तो आप लोग प्लीज बहुत ध्यान से चीजों को सुने तो ये साल बहुत से लोगों को पता नहीं कि तीन साल तक ये जंग चलती रही ऑटोमन अम्पायर को अभी 300 साल हैं खत्म होने में लेकिन ये 300 साल तक ये जंग शुरू हो चुकी थी अच्छा उस वक्त जो है जो है सऊदियों के आप समझे नजद का जो इलाका था जो आजकल जहाँ रियाद है तो वहाँ पे ये बातें उठी थी अच्छा एक चीज़ हम और आ, आ, समझ लेते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब कौन थे 1700 में ये एक यंग स्कॉलर थे बहुत बेहतरीन आदमी थे अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इल्म दिया था बड़ा आ, जौक दिया था और और इनके पास कुछ इस्लामिक फिलासफी के आइडियाज़ भी थे और ये बहुत सी चीज़ों से तंग भी थे तो नज जो है वो समझिए कि ट्राइबल सोसाइटी था और वो पार्ट ऑफ एन एम्पायर था बट लेकिन वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा उस्मानिया खिलाफत ने वहाँ पे अपने बहुत ज्यादा गवर्नर्स या कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुई थी और उसके बाद ये वैली फिर बहुत से स्मॉलर ट्राइब्स में भी डिवाइडेड थी तो इसी इसी एक ट्राइब में मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब की पैदाइश होती है जो कि एक हमबली फैमिली है आपको याद होगा चार इमाम इमाम अबू हनीफा मालिक शाफही और इमाम अहमद बिन हम्बल तो हम्बली स्कूल ऑफ थॉट की फैमिली मैन की पैदाइश होती है उन्होंने ट्रैवल किया बहुत से इसकाल से मिले शाम और मदीना वगैरह में ट्रैवल किया फिर वो अपनी कम्यूनिटी में वापस आए और फिर उन्होंने महसूस किया कि ऑटोमन अम्पायर के अंदर बहुत सी जगहों पर बिदा यानी इन्ोवेशन बहुत शुरू हो गई थी उस सोसाइटी में बिदत का आप लोगों को पता है कोई भी एक ऐसी नई चीज़ जो इस्लाम में जिसका हदीस से कुरान से हवाला ना हो और कोई नई चीज़ ऐज एज अ कंपलसरी समझ के करना शुरू कर दें तो उसको बिदत कहते हैं और इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत तबाही यानी कि ये इसको कत्ल से ज़्यादा या फितना जो है क्योंकि बिदत से फिर फितना बढ़ता है और फिर चीज़ें तो बहरहाल मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने बिदत के खिलाफ काम उठाया और फिर जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई और इन्होंने फिर क्योंकि ऑटोमन गवर्नमेंट थी तो इनको वहाँ से भागना पड़ा फिर ये छुप गए जाके कहीं छोटे पहाड़ों में और इलाक़ों में फिर वहाँ इन्होंने दूसरे लोगों से अलायंस की और फाइनली इनकी अलायंस हो जाती है साउथ फैमिली से जो कि नष्ट की रहने वाली है और ये लोग भी ओस्मान खिलाफत के ख़िलाफ़ हैं अच्छा सेवनटीन में जो है मोहम्मद इबन अब्दुलवाहाब और मोहम्मद इबन सऊद इन लोगों का एक पैक्ट हो जाता है उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ और ये एक पॉलिटिकल अलायंस था हालांकि दोनों जो है वो मुसलमान थे दोनों मोहम्मद इम, इबन लवा तो बहुत बड़े स्कॉलर थे और जो है वो बिदत के खिलाफ थे और मोहम्मद अबिन सऊद थे वो भी एक पॉलिटिकल लीडर थे तो इन लोगों ने मिल के एक अलायंस बनाई और फिर इन्होंने उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ जो है आ, उन्होंने आ, एक, एक समझिए कि एक तहरीक शुरू कर दी अच्छा ये एग्रीमेंट जो है आज तक सऊदी अरब में मौजूद है जिसको हम लोग महसूस नहीं करते लेकिन उन्होंने ये रूल किया था कि सऊदी रूल ऑफ सऊदी अरेबिया इन अंडर डिसेंडेंट्स ऑफ सऊद जो जो रूलर्स हैं आज भी वो सऊदी फैमिली कहलाती है जैसे मोहम्मद बिन सलमान बिन सऊद बिन बिन अब्दुल अजीज बिन सऊद तो यानी कि सारी फैमिली वही है समझिए ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल मामला होंगे वो हम करेंगे गवर्नमेंट हमारी होगी लेकिन जो जो उलमा कराम होंगे जो शयूख होंगे और उनकी जो लीडरशिप होगी वो डिसेंडेंस ऑफ अब अब्दुल वहाब के होगी इसी वजह से आज भी जो आ, आ, जो सऊदी अरब में शेख हैं आले शेख कहलाते हैं और उसी फैमिली से होते हैं ठीक है तो ये दो चीज़ें अपने जहन में रखिए कि ये जो पैक्ट हुआ था ये पॉलिटिकल पैक्ट था लेकिन इसको जो दुनिया में यही दिखाया जाता है कि ये एक एक इस्लामिक पैक्ट था और औरमानिया खिलाफत की बिदात के खिलाफ था जबकि ऐसी बात नहीं थी क्योंकि हमने फिर देखा कि सऊदियों को ब्रिटिश ने सपोर्ट किया कि किस्मानिया खिलाफत को लड़ दें तो ये एक पोलिटिकल मूव था अच्छा तो दिस न्यू मूवमेंट जो शुरू हुई थी इन्होंने फिर ऑटोमन अंपायर को काफिर कहना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने लोगों को मजबूर किया मजबूर से मुराद ये कन्विंस किया कि जब तक कोई कुफ्र कर रहा है तो उसके खिलाफ पे जिहाद फर्ज हो जाता है तो उन्होंने तमाम लोगों को जमा किया और उन्होंने उस्मानिया खिलाफत के अगेंस्ट जिहाद डिक्लेयर कर दिया अब आपको है जो आम लोग होते हैं कबाइल के या जिनको दीन का या दुनिया का इतना नहीं होता लेकिन उनके बड़े बड़े शयूक जो हैं, वो अगर जिहाद डिक्लेयर कर दें तो वो सब खड़े हो जाते हैं तो इस तरह उस इलाके के सारे लोग मिल के उन्होंने जो है शुरू हो गई अब्दुल वहाब ने क्लेम किया था कि इनोवेशन हैड बिकम शिर और शिर करने वाले जो है वो उनका ब्लड हलाल हो जाता है यानी कि जिहाद उनके ऊपर फर्ज हो जाता है दूसरे लोगों पे तो वो आपस में फाइट होती रही आ, मक्का मदीना आ, जो है वो आ, आ, कभी इसके पास आता था कभी उसके पास बहुत से गवर्नर चेंज होते रहे 1803 और में अब हम पहुंच चुके हैं जब अब्दुल वहाब एन अपना सऊद का इंतकाल हो गया तो उस वक्त उस वक्त जो है सऊदीज ने मक् मकरमा जो है मक्का एंड थ्री इयर्स लेटर दे दट मदीना तो तकरीबन ये मक् मकरमा मदीन मर उन्होंने कॉन्कर कर लिया था एटीन थ्री में लेकिन वह रजिस्टेंस तो चल रही थी और खिलाफत ने उस वक्त सिर्फ उन लोगों को इजाजत देते थे हज करने की जो कि इन इन लोगों के साथ नहीं थे क्योंकि एक बहुत बड़ा उनके नज़र में फितना और था। तो अब देखिए था मोहम्मद अली पाशा फिर उन्होंने दोबारा से सऊदी अरब को फतेह कर लिया फिर 1834 में एक, एक और सऊदी स्टेट फॉर्म हो गई फिर वो 1891 तक चली तो ये जंगें तकरीबन तीन साल तक चलती रहीं और फाइनली फिर हमें पता है कि जो है हिजाज और नज़ दोनों में फिर फाइनली ब्रिटिश ने इनसे वादा किया कि हम तुम्हें हम तुम्हें लैंड देंगे हम तुम्हें ये चीज़ें एज ए गिफ्ट वापस कर देंगे तुम पूरी पूरे सऊदी अरेबियन पेनसुला पे तुम हुकूमत कर सकते हो लेकिन तुम हमारा साथ दो इनको ऑटोमन अम्पायर की हुकूमत ख़त्म करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ अच्छा वर्ल्ड वॉर वन उन्नीस में शुरू हो जाती है और फिर ब्रिटिश उनको गिफ्ट कर देते हैं आ, हिजाज नश सऊदी फैमिली को दे दी और फिर जो आज हम जिसको सऊदी अरेबिया कहते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें जहन में रखें क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो तारीख से जितनी तेजी से निकाली जा रही हैं आ, वो आ, वो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए अच्छा ब्रिटिश ने जो है इसी वर्ल्ड वॉर वन में जो है इनका हाल बहुत बुरा हो गया था फाइनेंशियली तो इन्होंने जाइनस से भी पैक किया इन्होंने पैलेस्टाइन का वायदा वादा, वादा जाइनस से भी किया और हाशमाइट्स यानी जो आ, अरब थे वहाँ उनसे भी किया था और दोनों से कर लिया था कि तुम तो हमारी मदद करो यहूदी पैसे से मदद करें और ये लोग फौज से मदद करें तो जब ये जब ये जीत गए और खिलाफत खत्म हो गई तो अब ब्रिटिश को ये सही समझ में आ रहा था कि वो अब क्या करें तो उन्होंने लैंड को हाफ किया और जॉर्डन का जो इलाका था वो हाशमाइट्स को दे दिया और आज भी हाशमियों की हुकूमत है वहां पे और जो अदर पार्ट पैलेस्टाइन का था वो उन्होंने बेसिकली जाइनिस्ट को दे दिया और फिर जाइनस्ट ने हमें पता है कि जब उनको वो वादा हो गया उनसे तो आहिस्ता आिस्ता पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया और फलस्तान में अपनी आ, और फिर पूरे दुनिया से यहूदियों को वहाँ मूव करना शुरू किया वो एक बहुत अपनी अलग कहानी है आ, अब हमें पता है कि जाहिर सी बात ये जो अलायंस था अब इसको इस्लामिक रंग हम नहीं दे सकते क्योंकि जब ब्रिटिश और जो मुसलमान के दुश्मन और जो वो क्रुसेड और ये सारी चीजें हो चुकी हैं उन सब के को जानते हुए सऊदी सऊदियों ने से वो किया सिर्फ हुकूमत के लिए तो अल्लाह आलम हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है और ये मेजर डाउनफॉल था खिलाफत का खिलाफत जो है वो उसके बाद 1924 में ख़त्म हो गई कम्पलीटली लेकिन वर्ल्ड वॉर उन्नीस में शुरू हो चुकी थी अच्छा इस ज़माने में एक छोटा सा फैक्ट है जो पता होना चाहिए कि एक और वहां पे सऊदी आर्मी एक अखबान कहलाते थे, थे वो बड़े ज़बरदस्त लड़ने वाले भी थे और इस्लाम से मोहब्बत करने वाले थे और ये मुसलमीन नहीं हैं उनसे कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा ये सिर्फ इनकी आर्मी का एक आर्मी का एक फैक्शन था जिसका नाम अखवान था और ये बहुत सेंसियर थे लॉयल थे सब चीज़ें थे लेकिन जब हुक, सऊदी हुकूमत ने हुकूमत शुरू कर दी और उसके बाद उनके पास कोई प्योर इस्लामिक हुकूमत बनाने का जब उनके पास कोई प्लान नहीं था तो इस आर्मी ने अलग हो गए और फिर सुना यह है अल्लाह आलम तारीख में आता है कि फिर इसको सऊदी फैमिली ने तमाम लोगों को कत्ल करवा दिया था ओवर और फिर जो नॉर्मल ट्रेडिशनल आर्मी थी उससे रिप्लेस कर दिया गया था अच्छा सऊदी अरेबिया जो है 1920 और 1927 में समझें ये सारे रिवॉल्ट हुए थे और ये तमाम चीज़ें उस दौरान हुई थी सऊदी अरब जो ऑफिशियली रिकगनाइज हुआ था वो 1932 में हुआ था इवन दो इट हैड ऑलरेडी रूलिंग ब्रिटिश का और उनका मुहिदा था जब सारे आ, 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 क्या कहते हैं ऑटोमन एम्पायर के सब लोग चले गए तो उसके बाद ही तमाम ये तमाम चीजें शुरू हुई बहरहाल ये अब अच्छा इसको मैं थोड़ा सा वो करूँगा जल्दी से आ, ब्रीफली कि सलफी मूवमेंट जो है ये भी वहीं से शुरू हुई आज बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जो एक नया फिक है जैसे आप कह लें सलफ़ी सलफीज़म जो है वो कहाँ से शुरू हुआ तो मोहम्मद अब्दिन अब्दुल प्योरली टू रिफाइन अकीदा यानी कि वो अकीदे को रिवाइव करना चाह रहे थे और बहुत नेक इंसान बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही यानी कि यंग आदमी थे उन्होंने अक... अकीदे को तो वो चाह रहे थे कि बिदत जो है वहां से खत्म हो जाए लेकिन जब उनकी अलायंस हो गई सऊदियों से जिनकी पॉलिटिकल गेंस थे और तो तो इन इनकी मूवमेंट जो थी वो फिक के ऊपर इतनी फोकस नहीं थी ये चीज आप लोग याद रखें कि वो ऐसा नहीं था कि कोई शाफी मालिकी इस तरह उनका था कि बेसिक अकीदे में बिदत आ गई है उसको निकालना है ठीक है ना अब उसमें जो है इजिप्ट में एक, एक और मूवमेंट शुरू हो चुकी थी जो कि इश्हाद को जिन लोगों ने खत्म कर दिया था वो इश्हाद को रिवाइव करना चाह रहे थे तो ये लोग भी अब इवेंचुअली उनके साथ मिल गए शेख अब्दुल वहाब के साथ वो लोग भी मिल गए और फिर जो है वो चूंकि इश्हादानिया खिलाफत में ऑलमोस्ट इलीगल हो गया था उसकी वजूहत थी लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे वजह डिस्कस नहीं कर रहे ये देख रहे हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हुए अच्छा स्कॉलर्स वांटेड टू मेक इश्ते हैड टू क्रिएट अ सीक्रेट सोसाइटी जो लोग इसद करना चाहते थे क्योंकि हुकूमत उनके खिलाफ थी तो वो लोग इसी तरह से हाइडिंग में चले गए और बाद में फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इन इसहादी इशूज़ को और बिदात के अगेंस्ट ये दोनों मिल के इन्होंने फिर ये मिलते थे शाम में ईजिप्ट में और दूसरी लैंड में मिलते थे ताकि जो मेन हुकूमत को इसकी खबर ना हो लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ये लोग आगे चलते रह गए और अगर ये मिल जाते थे तो इनको जेल में रख दिया जाता था तो ये सारी मूवमेंट जो हैं ये बेसिकली सलफी तो पहले ये मोहम्मद अब्दुल वहाब थे 18, 90, 1849 से 1905 तक फिर उनके जो स्टूडेंट थे राशिद रिदा वो भी बहुत बड़े स्कॉलर थे फिर उन्होंने अपने आप को सेलफ़ी कहलाना शुरू कर दिया क्योंकि वो असलाफ के दिन पे दोबारा से मुसलमानों को लाना चाह रहे थे यानी असलाफ कौन है मेनली हजूर सल्ला का ज़माना फिर और तब और फिर तब तब तो ये इन चीजों को रिवाइव करने के लिए एक नई मूवमेंट शुरू हुई थी सलफ जो आज तक एग्जिस्ट करती है और फिर ये आज आहिस्ता बहुत ज्यादा फैलना भी शुरू हो गया दुनिया में और उसकी भी डिटेल्स आप लोग को खुद पता होगा वरना हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लेंगे अच्छा अब ये सारी चीजें हो रही हैं आप समझिए आ, फिर सऊदी अरब को कोलामा चाहिए तो उन्होंने फिर सऊदी हुकूमत जो थी उसने फिर इसको एक मॉडर्न सलिफ़म के नाम से अपने आ, वो किया फिर अफानसलमान जो बनी थी एक इजिप्शियन स्कॉलर हसन अल बन्ना की 1906 से 1949 तक रहे और इनकी भी जो एफर्ट थी वो इस्लाम को रिवाइव करने की थी और इन्होंने सब ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ काम किया लेकिन द बिग क्वेश्चन इज़ कि अगर ये सब कुछ बिदत के खिलाफ और इश्तहाद को दोबारा लाने के लिए था तो फिर ब्रिटिश का साथ सऊदियों ने क्यों लिया क्या ये कोई इस्लामिक मूवमेंट था या ये कि ये दुनियावी लिहाज से एक पॉलिटिक्स थी अल्लाह अच्छा आप सऊदी अरब में जो है सलफी फ्राम इजिप्ट आए वहाब और ये सारी चीज़ें चलती रहीं बीस से तेईस साल तक ये दोनों मिल के एक ग्रुप हो गए और इसी वजह से आज फिर हम इन लोगों को एक सलफी मूवमेंट के तौर से जानते हैं अच्छा अब आगे बढ़ते हैं 1914 में वर्ल्ड वॉर वन छिड़ गई वर्ल्ड वॉर वन में कौन कौन है अब ये भी आप जल्दी से देख लीजिए इस तहबत है हमारा टॉपिक वर्ल्ड वॉर नहीं है लेकिन इसका मुसलमानों के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ मुसलमानों की पूरी पूरी खिलाफत पे और उस पर और यह हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुई थी वो एक आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डीनेट एक शहजादा था आ, जो है उसका मर्डर हुआ ऑस्ट्रिया में इसके बाद ये चीज़ आगे बढ़ गई और कॉन्फ्लिक्ट में जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बल्गारिया और ऑटोमन अम्पायर एक तरफ हो गए और फिर सेंट्रल पावर्स में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस रशिया इटली रोमानिया कनाडा जापान और अमेरिका ये एलाइट फोर्सेस के तौर पे आए और एलाइट फोर्सेस जीत गए और तकरीबन 16 मिलियन पीपल इसके अंदर सिविलियंस और फौजी मारे गए अच्छा अब ये वर्ल्ड वॉर वन की बातें हैं यकीनन आप लोगों को पता होगी तो मैं इस पर बहुत ज्यादा वक्त ज़ाय नहीं करूंगा लेकिन बाहर थोड़ी सी स्लाइड्स हैं जिसमें डिटेल्स हैं तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा आपको अंदाज़ा हो जाए कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ और उसकी वजह से फिर किस तरह से समझिए उसके फौरन बाद पूरी मुसलमान दुनिया को डिवाइड कर दिया गया इनके छोटे छोटे मुल्क बना दिए गए इनको नेशनलिज्म के नाम पे इनकी हुकूमतें बना दी गई और वो सारी कहलाने का तो हुकूमतें थीं लेकिन इस्लाम का कोई उसके अंदर शरीयत के निजाम का कोई निफास नज़र नहीं आ रहा था तो इसमें तकरीबन तीस मुल्कों ने हिस्सा लिया ये सब मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ ये एक पूरी डिटेल है कि 1914 में जब शुरू हुआ फिर कैसे कैसे मुल्कों ने ज्वाइन किया 1915 में इटली ने ज्वाइन किया 1916 एंड सो ऑन सेंट्रल पावर्स में कैसे कैसे लोगों ने ज्वाइन किया और ये जो है इसको जो है फॉलोइंग द पीस ट्रीटी मोस्ट ऑटोमन डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटेन फ्रांस ग्रीस एंड रशिया ये बाकायदा ऑथेंटिक हिस्ट्री uh, में मौजूद है कि जब ये सब कुछ हो गया तो इन लोगों ने सिर्फ एक कमरे में बैठ के इन लोगों ने हंसी मजाक के दौरान पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया यानी कि इसको ये बना देते हैं इसको ये हुकूमत दे देते हैं और इस उसका जो मेन जो है मोटिव था वो ये था कि किसी तरह से मुसलमान दुनिया को इतने छोटे छोटे फ़िरकों में बांट दिया जाए ताकि ये कभी भी दोबारा खिलाफत के नाम के ऊपर कि पूरी दुनिया में एक मुसलमानों के खिलाफत हो उसके ऊपर जमा ना हो सके ये सारी चीज़ें फॉल आउट थी किसकी वर्ल्ड वॉर वन की उसी दौरान जाइनज़म हुआ उसी दौरान जो है आपको बेलफोर्ट फोर्ड डेक्लेशन का भी पता होगा कि जो फिर ब्रिटिश के ने जो है पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि जिसके अंदर यानी ये यहूदियों को अपनी लैंड बनाने की इजाजत दे दी गई थी फिर वहां से सिलसिले चले और चलते चलते फिर फिर तुर्क में चूंकि वो एक जो नेशनलिज्म शुरू हुई थी उसमें कमाल था तुर्क का नाम सुना सुना होगा जिसको ये ये जिसको तुर्की का बाबा कहते हैं बादशाह कहते हैं जिसने तुर्की को आज़ाद करवाया ये एक ये भी एक बहुत सैड मोमेंट था उसने इस्लाम को तकरीबन ख़त्म कर दिया तुर्की से और फिर उसने जाहिर बता है फिर ब्रिटिश ने और सारी दुनिया ने उसकी मदद की और उन्होंने उनको तुर्की को आज़ाद कर दिया लेकिन वो कोई इस्लामिक नेशन के तौर पर आज़ाद नहीं हुआ बल्कि वहाँ पर अजानें बंद हो गई थी जो हिजाब बैन कर दिया गया था मुसलमानों को जो मौजन थे वो मीनारों से जब अजानें देते थे तो उनको नीचे गिरा मार दिया जाता था शहीद कर दिया जाता था अरेबिक जुबान सॉरी तुर्की जुबान जो अरेबिक रस्म खत में लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट उसको इसी शख्स ने खत्म करके इंग्लिश स्टाइल में लेफ्ट टू राइट कर दिया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तहजीब मुसलमानों की जो है क्योंकि वो हमारी लिखाई से और हमारी अरेबिक लैंग्वेज इतनी क्लोज थी तड़केश उसको खत्म कर दिया गया तो ये सब सारे जो समझिए कि इसका सहरा जो है ये कमाल कमालता तुर्क है और जिसको आज भी तुर्की में आधे तकरीबन पापुलेशन जो है वो इनको अपना आ, वो मानती है बाप मानती है कि जिन्होंने हमारा जिस तरह हम कैद अजम को मानते हैं पाकिस्तान में इसी तरह से वो उनको मानती हैं लेकिन फिर उसके खिलाफ भी बहुत चीज़ें उठीं और वो सारी दुनिया में इस वक्त मशहूर है इन क्वेश्चन आंसर में हम डिस्कस कर सकते हैं तो बहरहाल ये सारी ऑटो अम्पायर के इशूज़ थे जिनको आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से ओटोमन अम्पायर ख़त्म हुई अच्छा जी अब हम गेट चेंज करते हैं अब हम आज जाते हैं आप समझिए कि हमने सऊदी अरब के करीब इराक जहाँ से सारी हुकूमतें इराक़ शाम सऊदी अरब यहाँ से सारी हुकूमतें चलती रहीं फैलती रहीं सब कुछ होते होते फिर हम आ गए किधर फिर हम आ गए तुर्की की तरफ ऊपर गए थोड़ा वहाँ पे सारी हुकूमतें चलती रहीं उन्होंने ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा यानी हैपनिंग दुनिया को कब्जे में ले लिया था अब हम देखते हैं कि इस दौरान ईस्ट साइड पे क्या हो रहा था यानी दहली सल्तनत से मामला शुरू हुए वहां पे और आप ये नक्शा अगर देखें तो ये सऊदी अरब इराक़ ईरान सब चलता रहा फिर यहाँ पे तुर्की के ऊपर पूरी हुकूमत थी इन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान और इन बहुत सी जगहों पे कब्जा था सेंट्रल एशिया पे पूरे नॉर्थ अफ्रीका पे लेकिन यह कि अब यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान का जो जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आए थे और इस्लाम यहाँ से फैला था और फिर नीचे से सूफिया कराम आए थे तो बहुत सारे सूफिया कराम गोवा के पोर्ट से और केरला के पोर्ट से और फिर बहुत जगहों पर मुसलमान पूरे इंडिया में इस्लाम आ चुका था अब देखें दिल्ली सल्तनत ने जो है ना वो अपने तकरीबन 1330 से से में थर्टी तुगलक डायनेस्टी पांच खानदान थे जिनका मैं ब्रीफली जिक्र करूंगा जिन्होंने तकरीबन पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था यानी कि इस्लामी हुकूमत मुग़लों से पहले काफी हद तक पूरे इंडिया पे थी ये देखेंगे पांच खानदान आए इनको जहन में रखे ममलोक डायनेस्टी आई ट्वेल्व ओ सिक्स ट्वेल्व नाइन्टी एटी फोर ईयर्स खिलजी डानेस्टी आई तीस साल तुगलक डायनेस्टी आई चौरानवे साल सबसे ज्यादा इन्होंने हुकूमत की और सबसे ज़्यादा जो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया था वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के दौर में आ, इनके पास था सैयद डायनेस्टी आई वो बहुत कम थी इतना ज्यादा असर रसूख नहीं था लेकिन 37 सेवन ईयर्स और फिर लोधी डायनेस्टी आई वो जो 75 फाइव ईयर्स चली और फिर हमें पता है कि लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी फरमा रवा था इब्राहिम लोधी फिर उन, उनको फिर बाबर ने शिकस्त दे के मुग़ल डायनेस्टी इस्ट कर ली थी अच्छा अब ये ममलूक डायनेस्टी थी ये देख लिए उस वक्त ममलूक जब पहली डायनेस्टी थी इतना नॉर्थ इंडिया कब्जा हुआ था लेकिन ये लोग बंगाल के बहुत करीब तक पहुंच गए थे फिर खिलजी डायनेस्टी आई ये पूरा बंगाल वगैरह इसके अंदर हो गया और जो है ईस्ट बंगाल कब्जा हो गया तो ये पूरा जो आपको पर्पल में नजर आ रहा है ये खिलजी डायनेस्टी थी फिर तुगलक डायनेस्टी आई नाइनटी फोर के लिए अब ये देखिए ऑल द वे साउथ पे भी पहुंच गए ये कुछ एरिया था जो इनके कब्जे में नहीं आया लेकिन बाकी पूरा तकरीबन इंडिया तोला डायनेस्टी के पास था फिर सैयद डायनेस्टी आई अब यहाँ पे दोबारा से हिंदू उठना शुरू हो गए थे और बहुत से लोगों ने और फिर मुसलमान भी जो थे उन्होंने अपना किंगडम्स बना ले थे मिनी किंगडम्स तो सैयद डायनेस्टी इतनी से रह के रह गई थी फिर लोधी डायनेस्टी आई इन्होंने दोबारा से बड़े जहां जिस राउट के ऊपर ममलूक ने आए थे उसी राउट पर दोबारा आए और फिर ये ये जो मेन एरिया था फिर हमें पता है कि यहाँ पे जो पानीपत का एरिया है दिल्ली के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे फिर बाबर अफगानिस्तान से आए थे उन्होंने पानीपत में जंग हुई थी फिफ्टीन में जिससे उस जिस वाली डायनेस्टी खत्म हुई और मुगल अम्पायर हो गई थी ठीक है अच्छा ये सारी डिटेल्स हैं नक्शे हैं आप लोग प्लीज इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा अब हम आते हैं मुगल सल्तनत पे मुगल डायनेस्टी में क्या हुआ मुगल डायनेस्टी में आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में तकरीबन 35 या 37 सेवन बादशाह है लेकिन बहरहाल जो इनमें मशहूर थे उनका हम थोड़ा सा डिटेल में जिक्र करेंगे बाकी को स्किप करके हम आगे चलेंगे बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर ये तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही मशहूर थे उसके बाद ऑफकोर्स शाहजहां फिर औरंगजेब औरंगजेब के बाद से फिर मुगल हुकूमत में डिक्लाइन शुरू हो गया था जो आखिर में जाके बहादुर शाह जफर पे ख़त्म हो जाता है ठीक है तो ये मुगल डायनेस्टी 1526 से शुरू होके 1857 जो जंग आजादी हुई थी और ये बेसिकली जंग आजादी ब्रिटिश के खिलाफ हुई थी लेकिन इनका साथ हिंदुओं ने और सिखों ने भी दिया था ब्रिटिश का तो इस वजह से मुसलमानों की पूरी जो डायनेस्टी थी इंडिया में वो खत्म हो गई थी अब ये नक्शा एक दफा दोबारा से देख लीजिए कि आप जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान ये जब जो जो, जो आ, मुगल अंपायर थे उनका कब्जा जो है ये पूरे फिर यहाँ पे हो गया था पूरा बंगलादेश इंक्लूडिंग नेपाल का एरिया सब चीजें थी अच्छा बाबर जो था वो पहले थे जिन्होंने छह साल हुकूमत की जहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये फरगाना एक जगह है वहां से ये आए और ये चंगेज़ ख़ान के खानदान से थे अपनी माँ की साइड से चंगेज़ ख़ान के खानदान से थे फरगाना से आए फोर्टीन एटी थ्री में आए ये है फरगाना अफगानिस्तान का एरिया जहाँ से फिर ये आए थे और इन्होंने फिर नॉर्थ में पानीपत में लोधी को इब्राहिम लोधी को हराया था अच्छा अब ये सारी चीज़ें भी डिटेल्स हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा और जो है ये अफ़ग़ानिस्तान में इनके साथ इशूज़ शुरू हुए इनके ख़ानदान के साथ तो ये वहाँ से निकले और फिर इन्होंने सपोर्ट ली दूसरे लोगों से और फाइनली ये इंडिया में दाखिल हुए और इन्होंने आके जो है वो आ, उसके ऊपर वे एक, एक नक्शा है दो मुख्तलिफ कस्म के सेम हैं, लेकिन आप इसमें देखिए आपको बताएंगे बाबर आए थे लेकिन उन्होंने ज्यादा इलाके ऑलरेडी फतेह कर लिए थे उसके बाद फिर सिक्सटीन ओ फाइव में क्या सूरत हाल थी जैसा सारा येलोश एरिया और उसके बाद फिर सेवनटीन ओ सेवन तक ये इलाके सारे औरंगज़ेब आलमगीर के दौरान हुए फ़तेह और ये फिर पूरा तकरीबन इंडिया जो है वो मुग़ल अम्पायर के अंडर आ गया जो कि औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में था फिर दोबारा से चीज़ें शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दोबारा से ख़त्म हो गई और फिर 1857 में मुग़लों की हुकूमत भी ख़त्म हो गई बाबर के बाद हुमायूं आए हुमायूं ने जो है तकरीबन आ, इन्होंने पहले आ, कुछ हुकूमत की लेकिन उसके बाद आ, उसके बाद फिर दस साल हुकूमत की उसके बाद इनको शेर शाह सूरी ने भगा दिया वहां से तो शेर सूरी हुकूमत आई सूरी डायनेस्टी रही उसके बाद फिर दोबारा आया फिर एक साल इन्होंने मजीद हुकूमत की तो इनका नाम था हुमायूं तो ये सारी डिटेल्स हैं इन इसको ज़रूर पढ़िए फिफ्टीन फोटी में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने वो कर दिया हरा दिया फ़िफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन फोटी जो है वो उन्होंने हुकूमत की और बाद में फिर वापस आके गए फिफ्टीन फिफ्टी फाइव टू फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स की ये सारी डिटेल हो गई शेर शाह सूरी जो थे ये गवर्नर ऑफ बिहार थे बाबर के ज़माने में वहाँ से फिर इन्होंने मुग़लों के खिलाफ तहरीक चलाई और फिर बहुत बड़ी तहरीक थी और शेषा सूरी के दरमिया ज़माने में भी बहुत ग्रोथ हुई इन्होंने अपने लिहाज से ये भी मुसलमान थे हुमायूं भी मुसलमान था लेकिन जिस तरह से हमेशा से मुसलमान आपस में लड़ते चले आए हैं तो इन लोगों के अपने अपने अपने, अपने अपनी, अपनी आइडियोलॉजीज थी अपने अपने स्कूल ऑफ थाट थे जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े होते रहे फाइनली तो हमायां जो है पहले सिंध की तरफ़ गया फिर दोबारा अफ़गानिस्तान गया फिर ईरान चला गया था फिर वहाँ से उसे शाह ईरान ने उसे होस्ट किया शाह ईरान ने उसको सपोर्ट किया फिर फाइनली जब शेर शाह सूरी का इंतक़ाल हो गया तो फिर वो दोबारा से अफगानिस्तान गए और वहाँ पे फिर, फिर शाह ईरान ने भी मदद की और फिर काबुल में उनकी दोबारा से लोगों से मुलाकात हुई और वो दोबारा से आके उन्होंने फिफ्टीन फिफ्टी में कब्ज़ा किया और फिफ्टीन में Okay. शेर शाह सूरी का मैंने पूरा आपको बता दिया कि इनकी जो इनकी जो एक थी वो आपको सब पता लिखी हुई है यहाँ पे कि उन्होंने कामी को बेहतर किया मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया पहले टांका कहलाता थी हमारी करेंसी उसको रुपया किया ये शेरशाह सूरी के ज़माने में हुआ जो पोस्टल सिस्टम था इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे सबकॉन्टीनेंट में ऑर्गेनाइज किया शेरगढ़ एक नई सिटी बनाई रोड सिस्टम और यू नो बहुत सारी अच्छे काम हुए शेरशाह सूरी के ज़माने में लेकिन फिर दोबारा से मुग़लों ने उनको शिकस्त दे दोबारा से मुग़ल हुकूमत क़ायम हो गई तो शेर शाह सूरी के ज़माने में उन्होंने ये तमाम एरिया जो है वो वापस ले लिया था मुग़लों से लेकिन उसके फौरन बाद अब अकबर आ जाते हैं अकबर वो हैं शाहन शाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसको ना सिर्फ मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बल्कि हिंदुओं हिंदू ब्रिटिश सब लोग इनको बहुत मानते हैं और अगर आपको इंडिया के कल्चर में अगर किसी बादशाह की बातें होंगी मुग़ल अम्पायर के तो वो अकबर की होंगी और अकबर को हम कहते हैं बहुत बड़ा जबरदस्त बादशाह था और जो सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं और कंडेम करते हैं वो औरंगजेब आलमगीर को करते हैं उसकी वजह एक्सक्यूज उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूँ तो भारत अकबर की हुकूमत आई और ये जो है सिंध के करीब पैदा हुए थे और इन्होंने जो है वो आ, आगरा में इनका इंतकाल हुआ सिक्सटी थ्री ईयर्स एज थी और इनका जो मेन था इनको समझ लीजिए कि इनकी हुकूमती बहरम ख़ान इनका आर्मी चीफ था जिसने इनको मतलब वो पुराने ज़माने से था बाबर और हमायों के ज़माने से लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की बैरम खान ने क्योंकि उसका नाम हिस्ट्री में आता है लेकिन यह कि आहिस्ता अकबर जो था एक तो उसकी ताकत बहुत बड़ी हो चुकी थी उसने बहुत सी फतहत की लेकिन जो मेन चीज़ उसने की उसने एक दीन इलाही बना दिया उसने हिंदुओं को और दूसरी जात पात के लोगों को सबको अपनी बादशाहत को एक एक जो है यूनाइट यु, करने के नाम पे उसने एक इस्लाम के अंदर एक नई चीज निकाल दी कि जिसके अंदर बहुत सी चीजें इस्लाम की बेसिक्स जो अकीदे की थी उनको निकाल के हिंदुओं की और दूसरे छोटे छोटे मजाब की चीज़ें दाखिल करके बना दी जिसकी वजह से उसने इस्लाम को तकरीबन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया कि नाम तो इस्लाम कर लेता था लेकिन बहुत से मुसलमान उस जमाने में मिस गाइड हो गए और फिर हम देखेंगे इन कि शायद अगली क्लास में या थोड़ा सा आज की क्लास में भी कि किस तरह से फिर जो सूफ़ीमा कराम थे जिनमें के आप ले शेख अहमद सरहिंदी थे शाह वली थे ये सब चीज़ें ये पैरल में अब इन्हीं बिदात के खिलाफ इन्हीं गलत इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ उन लोगों ने अपनी जंग शुरू की थी लेकिन अगेन चूंकि मुसलमान थे क्योंकि अच्छे मुसलमान थे तो उनको तारीख में जगह बहुत कम मिलती है लेकिन अकबर को तारीख में बहुत ज़्यादा जगह दी जाती है बहरहल वो एक बादशाह था और वो उसने एक हिंदू औरत से शादी की थी जाहिर सी बात है ये भी इस्लाम में अलाउड नहीं है लेकिन उसने हिंदू औरत से जोधा भाई से शादी की उसी से उसका बेटा जहांगीर पैदा हुआ जिसको हम सलीम कहते हैं जिसके ऊपर मुग़ल आजम और अनारकली और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज बनी इंडिया में तो ये दीन लाही शुरू हुआ उसने इबादत खाना बनाया उसने अपने लोगों को करने के लिए और बहरहाल जब वो बीमार हुआ और मरा तो उस वक्त वो इतना अमीर कबीर था कि ये डिटेल है कि उसके पास कितना कुछ था जो वो छोड़ के गया अच्छा जो इसका इस, इसके तीन बेटे थे जहांगीर मुराद और दानियाल लेकिन सलीम को हुकूमत मिली और इस तरह से फिर और इसके इसके जमाने में इसने जो अकॉम्पलिशमेंट्स की जो फतेहपुर सिकरी का जो फोर्ट्स थे किले थे वो बनाए और बहुत सी चीज़ें इसने काम की अब इसका बेटा आता है जहांगीर जहांगीर वही है जो आप लोगों ने तारीख़ में इसका नाम सलीम के नाम से सुना होगा और ये अकबर का बेटा था कि जिसको एक कहनी से मोहब्बत हो जाती है और फिर वो उसी की खातिर जो है वो अकबर से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और ये सारी डिटेल आप लोगों ने यकीन मूवीज़ में नहीं तो कहानियों में नहीं तो स्टोरी बुक्स में सब सुनी होंगी तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिए कि किस तरह से इसकी पूरी हुकूमत चलती है और मुग़ल अम्पायर ने इसके ज़माने में भी बहुत तरक्की की और उस जमाने में अब थोड़ा सा सिखों का जोर शुरू हो चुका था और इसकी जो है वो खुसरो जो जो जहांगीर का जो सबसे बड़ा बेटा था उसने अपने बाप के ख़िलाफ़ रिबेलियन शुरू की और फिर वो अब सिखों ने भी उसकी मदद की अर्जुन देव और गुरु ऑफ सिख्स ये सब आपने नाम सुने होंगे फिर जहा जहांगीर ने इवेंचुअली उनको अरेस्ट किया लेकिन बाद में खुशरू फिर इनके साथ मिल गया और ये सब डिटेल्स हैं छोटे छोटे इवेंट्स होते रहे बड़े बड़े इवेंट्स होते रहे मुसलमानों के खिलाफ अब जो है चीजें बहुत बढ़ रही थी मराठास भी अभी समझे बहुत जड़ झड़ पकड़ने वाले थे तो इस तरह से हिंदू और मुसलमानों की एक कश्मकश थी इससे पहले आज तक इतनी बड़ी किसी की भी हुकूमत इंडिया में नहीं हुई थी यानी मिनी किंगडम्स थी लेकिन पूरे के पूरे इंडिया पे जिस तरह से मुगल अम्पायर ने रूल किया था इस तरह से किसी ने भी रूल नहीं किया था अच्छा अब नूर जहाँ इनका भी नाम बहुत मशहूर है इसलिए मैं जिक्र कर दूँ ये जहांगीर की आखिरी वाइफ थी और इनका मुगल अम्पायर पे बहुत ज्यादा असर और रसूख था और वो ग्रैंड वजीर जो मिनिस्टर अकबर का था उस जमाने उनकी बेटी थी और इनका जो सन इन लॉ था शहरियार ये इसको प्रिंस बनाना चाहती थी इसी तरह से फिर आपस में बाप बेटे में लड़ाइयाँ हुई जहांगीर और शाहजहां लड़े फिर आपस में इनकी दोस्तियाँ हो गई जहांगीर ने एक किताब लिखी तुष जहांगीरी जिसमें उसने बहुत चीज़ों का अपनी हुकूमत का भी और अपने डिटेल चीज़ों का जिक्र किया और फिर ये बहुत ज़्यादा पीता पिलाता था इवेंचुअली वे जो है वो इसका इंतकाल हो गया और फिर उसमें जो सारी जो आ, इसके खिलाफ जो क्या कहते हैं उसे साजिशें हुई और इसके आगे बढ़ते हैं अब जनाब आए शाहजहां ने तीस साल हुकूमत की और इनका जो एरा था वो इट इज कंसिडर टू बी द पीक ऑफ मुग़ल पार जिस तरह आपने अब्बासी खिलाफत में देखा हारून रशीद को और मामून रशीद को जिस तरह आपने आ, जो है वो आ, उस्मानिया खिलाफत में देखा कि जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट का ज़माना जो पीक दौर था गोल्डन एरा था इसी तरह से यह इस मुग़लों का गोल्डन एरा जो है वो तकरीबन ये यानी कि टेरिटोरीज़ के, के लिहाज से तो औरंगज़ेब आलमगीर का था लेकिन अमारत के लिहाज से और जो है वो जितना ज़्यादा इनके पास पैसा कौड़ी था और बहुत ही ताकत थी इनके पास आर्किटेक्चुरल ऐसे बेहतरीन डिज़ाइन हुए अभी मैं आप लोगों उसकी लिस्ट भी बनाऊँगा ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था और बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट जो एम्पायर के थे वो उनको बुलाया गया था और उन्होंने फिर ऐसी चीज़ें बनाई गई जो आज तक एग्जिस्ट करती हैं फिर ये मुमताज़ महल और इन लोगों का जो किस्सा है ये भी आप पढ़ लीजिएगा मैं स्लाइड्स में इसलिए रखता हूँ कि इन जब आप रिव्यू कर रहे हो मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे और फिर उसके साथ पी डी एफ जो स्लइड्स भेजता हूँ तो आप बहुत डिटेल में आराम से यू कैन कीप कनेक्टिंग द डॉट्स चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा लेकिन मैं स्लाइड्स में पॉइंट जरूर रखता हूं ताकि आपके जहन में वो इवेंट रहे ठीक है अच्छा फिर उसके बाद इनके बाद जो है वो औरंगजेब आ, आ, आ जाते हैं लेकिन अब इनके जमाने में ताजमहल बना ये मैंने विकीपीडिया से कुछ इसकी डिटेल ली है विकीपीडिया के मैंने रेफरेंस दे दिया है ताकि आप लोग देखें कि ताजमहल क्यों बना कब बना इसी तरह से रेड फोर्ट जो लाल किला है जो दिल्ली में है वो भी बहुत मशहूर है आज भी कायम है सारी दुनिया से लोग देखने आते हैं इसी तरह से पर्ल मॉस के मोती मस्जिद मोती महल जिसको कहते हैं ये भी बहुत मशहूर है ये भी इन्हीं के ज़माने में बनी और बल्कि आगरा में ये बाकायदा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है कि इसको अब कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि एक ऐसा तारीखी शाहकार है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती इसी तरह से पीक थ्रोन और तख्त ताउस जिसे कहते हैं मोर का तख्त ये भी बहुत मशहूर हुआ और ये समझिए कि शाहजहां ने 1628 में बनाया। अच्छा जी, अब दो कि हम मुगल अंपायर में हैं लेकिन ये अब हम एक टर्न ले रहे हैं क्योंकि औरंगजेब आलमगीर जिनको हम अलैह बोलते हैं उसकी वजह यह है कि बहुत दीनदार इंसान थे बहुत सादा इंसान थे बहुत इंसाफ पसंद थे और जो है इनके लिए जितनी ज्यादा समझे जहर उगला जाता है हिंदुओं में और कुछ वेस्टर्न्स में भी उसकी वजह यह है कि यह एक अच्छे मुसलमान थे आपने जितनी मैंने हिस्ट्री आपको क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से लेके अल्लाह ताला के निजाम को दुनिया में लाने वाले अल्लाह ताला के निजाम को आगे बढ़ाने वाले और अल्लाह ताला के निजाम को कायम करने जितने लोगों ने साथ दिया उन सब के खिलाफ ये समझें शैतानी क़ोतें लगी रही अब बहुत ज्यादा है, है लेकिन हम देखेंगे किस तरह से औरंगजेब आलमगीर ने इन चीजों को खत्म करने की कोशिश की और किस तरह से फिर उसको लोगों ने बदनाम किया ठीक है तो इनका जो है जनाब सिक्सटीन फिफ्टी एट से सेवनटीन सेवन तक रूल किया इन्होंने ये तीसरे बेटे थे शाहजहां और मुमताज महल के ठीक है और यह आर्मी के कमांडर भी थे आ, आ, उज्बेक्स और पर्शियंस के साथ लड़े हुए थे तो इनका अपना जो है ना सिर्फ बहादुरी बल्कि इनकी जो जो सलाहियतें थी एज लीडर और वो बहुत आगे बढ़ गई ये वायसराय दक्कन के वायसराय भी थे जब पुरानी हुकूमतों के अंदर जब शाहजहां का बीमार हुआ तो औरंगजेब और दारा शिको जो उनका भाई था इन्होंने एक दूसरे से लड़ाई हुई क्योंकि दारा शिको बहुत ही शराबी कबाबी और उसको कोई हुकूमत का अंदाजा नहीं था तो इनको पता था कि अगर दारा शिको आ गया तो पूरी हुकूमत फिर एक दफ़ा से तो फिर फिर वहीं से डाउनफॉल इसका शुरू हो जाता अच्छा इस वक्त जो है पूरी दुनिया में रिचेस्ट रीजन है ये अब ये आप जहन में रखें जिन लोगों को जी टी पी का अंदाजा है कि जी डी पी क्या होता है उस वक्त पूरी दुनिया का 25% यानी परसेंट जी डी पी जो था वो इंडिया के पास था यानी सब कॉन्टिनें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं द टोटल और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल जी डी पी टोटल प्रोड्यूस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसको जीडीपी कहते हैं उस वक्त आप सोचिए इंग्लैंड का जीडीपी डी टू परसेंट था सब कॉन्टिनेंट का जीडीपी मुगल हुकूमतों का जीडीपी डी ट्वेंटी फाइव परसेंट था और यही सारी दौलत ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई यही कम ये लोग आए थे लूटने के लिए और इन्होंने पूरे इंडिया को डिवाइड किया मुसलमानों को से छीना उसको डिवाइड करके वहां की सारी दौलत जिस तरह से ये क्रूसेडर्स आए थे और उन्होंने बहुत दौलत यूरोप ले गए थे जिस तरह से मंगोल्स आए थे और उनके बाद फिर जो जो ब्रिटिश ने और यूरोप ने किस तरह से स्पेन से और पूरे मुसलम मुसलमान हुकूमतों से इनकी किताबें इनकी नॉलेज इनकी दौलत सब छीन के यूरोप में ले गए थे बिल्कुल इसी तरह से आप देख लीजिए कि ये मुग़ल अम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में इंग्लैंड का जी टी था और इस इलाके का मुग़ल अम्पायर के पास ट्वेंटी था वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अच्छा ये सारी चीज़ें थी ये हाफिज़ कुरान थे और जो औरंगजेब आलमगीर और इन्होंने जो है इनको पर्शियन लैंग्वेज पे भी बहुत महारत हासिल थी इन्होंने तमाम गलत चीज़ें अननेसेसरी कस्टम जो थे मुसलमानों और हिंदू के मुसलमानों के भी और हिंदूज़ को उनको सबको ख़त्म कर दिया इन्होंने जो बड़ी बड़ी कब्रें बनाई जाती थी मोजूलियम्स बनाए जाते थे उनको ख़त्म कर दिया उस ज़माने में कव्वाल एस्ट्रॉलजर्स शायर ये बहुत मशहूर हो गए थे और इनके ही महफिलें लगती थी और लोग अपने दीन से भी दूर हो रहे थे और दुनिया के कामों से भी बहुत ही अश कस्म के लेजी कस्म के लोग बन गए थे शराब और दंग और ये चरस वगैरह सब इन्होंने बैन कर दी एक था दर्शन झरुखा एक एक वो था जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ था तो उसको ख़त्म कर दिया के लोगों को जो लोग सजदा करते थे आके बादशाहों को वो ख़त्म कर दिया तो इन्होंने बहुत बहुत ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आए कि जिससे इन्होंने पूरी एक इस्लामी हुकूमत को दोबारा रिवाइव कर दिया लेकिन इनको कैसे जो नॉन मुस्लिम फैक्टर्स थे जो जो शैतानों की फौजें थे हिजबुल शईफान थे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कैसे ना होते तो उन्होंने यही किया और फिर इस तरह से फिर यह आप पूरी डिटेल इस सिक्ष, सिक्ष्टी फाइव में आसाम बिहार चिटागोंग इन्होंने कब्जा कर लिया फिर जो है इन्होंने शिवाजी जो है वो सिखों के वो थे उनको शिवाजी को हाँ सॉरी शिवाजी को पहले कैद किया उन्होंने बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बातें मशहूर की हुई थी फिर वो वहां से भाग गए और फिर हमने देखा कि मराठा क्लैन जो स्टार्ट हुआ वो बेसिकली सॉरी ये सिख नहीं थे ये हिंदू थे और ये शिवाजी ने मराठा मराठा एम्पायर शुरू की थी ठीक है उसको इनका रूल जो सिक्सटीन सेवेंटी फोर में शुरू हुआ और फिर इनको छत्रपति कहलाते थे, थे यानी आ, संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब है किंग ऑफ किंग्स इस तरह हमारे खान किंग्स मतलब और खानान खान यानी किंग ऑफ किंग्स तो इसी तरह से संस्कृत में किंग्स गिंग ऑफ किंग्स को कहते थे छत्रपति इन, इन्होंने जो है शुरू में तो उनकी हुकूमत आपस में काम किया लेकिन आखिर में इन्होंने रिबेल किया और फिर अः मराठा की हॉस्टलिटीज़ बढ़ी और इसी जमाने के बाद से फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया वो बेसिकली मराठाज ने पहुंचाया ये सारी औरंगजेब आलमगीर की चीज़ें हैं जिसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा इनका बैकग्राउंड बैक क्या था और फिर इनके बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी शेयर की थी कि चूंकि इनके बारे में लिटरेचर बहुत ही यानी कि हकीकत से दूर लिटरेचर खास तौर से हिंदुओं की आप तहरीरें सुन लें किताबें देख लें इनकी तकरीरें सुन लें इनमें ये औरंगजेब आलमगीर को बहुत बुरा भला कहते हैं कि उसने मंदिर तोड़ दिए थे ये सब मिथ है सिर्फ दो मंदिर थे जिनके अंदर हिंदू जो है मंदिर को यूज करके मुसलमानों पे हमला करने के लिए इस्तेमाल करते थे वो उन्होंने जाके वो भी वो पूरे मंदिर को डिस्ट्रॉय उन्होंने उस वक्त किया कि जब वहां पे टोटल जब अंदाजा हो गया कि ये लोग हिंदू भी नहीं है बल्कि हिंदू सम्राज्य है कि रिलीजियस हिंदू नहीं है बल्कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं इसके अलावा उन्होंने किसी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने इन लोगों को माइनॉरिटीज को भी हिस्सा दिया अपनी हुकूमत में भी तो बहुत ही यानी कि अनजस्टली इनको तारीख में बयान किया जाता है मुझे एक इंटरनेट के ऊपर एक एक किताब लिखी है किसी खातून ने और मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ यह और इनशाला ग्रुप पे भी भेज दूंगा तो ये जो है वर्थ वॉचिंग है ये यूट्यूब पे एक है जिसमें इन्होंने बाकायदा बात की है कि द मिथ एंड रियालिटी ऑफ एम्पर औरंगजेब एन इलस्ट्रेटेड वर्जन इन्होंने पूरा किया है और टुशके इनका नाम है लेकिन इसको प्लीज ज़रूर देखिएगा फिर हमें अंदाज़ा होगा कि औरंगज़ेब आलमगीर की शख्सियत क्या थी ये सब औरंगज़ेब आलमगीर की अचीवमेंट्स uh, हैं जो जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया इनके पांच बेटे थे और पांच बेटियां थीं तो उसके बाद फिर आप समझिए कि औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये हुकूमत थी पूरी औरंगज़ेब आलमगीर की पूरा समझे सिंध का हिस्सा भी इनके पास था अफगानिस्तान का ये पूरा सबसे बड़ी हुकूमत जो थी वो औरंगज़ेब आलमगीर की ही थी सारे नक्शे हैं इनको आप लोग इन देख लें इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर अब डाउनफॉल है आज़म शाह है सिर्फ तीन महीने के लिए बहादुर शाह पाँच साल के लिए एक साल के लिए जहाँदार शाह है फ्रुख सार रफ़ी राजजां टू आजम शाह बहादुर शाह जहांदार शाह ये सारे नाम भी रिपीट होते चले जाते हैं रफी उद्दर राजज टू आए फिर जो है एक शाह एक मोहम्मद शाह जहां रंगील मोहम्मद मुह, शाह रंगीला है ये बहुत ही अजीब और गरीब कस्म की शख्सियत थी इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे लेकिन कभी औरतों के कपड़े पहन के आ जाते थे कभी बहुत ही बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि शराबी कबाबी और नहायती वाहियात कस्म के आदमी थे शायद जहनी तौर पर बीमार थे लेकिन इन्होंने ट्वेंटी नाइन ईयर्स हुकूमत की और यहाँ से फिर जो इखलाक जो तंजुली का शिकार हुआ है मोगल अम्पायर वो इस दौर से फिर शुरू हुआ है ठीक है फिर उसके बाद लोग आते रहे और मुख्तलफ नाम से हुकूमत करते रहे मैंने इसलिए सारी स्लॉड्स बनाई हैं ताकि आपको पता रहे कौन अट्ठारह साल कौन पाँच साल कौन इकतीस साल ये सारे मुख्त नाम से आते रहे फिर आखिरी जो फर्मा रवा थे वो थे बहादुर शाह फ़र ये थे जो चश्मो चराग थे मुग़ल अम्पायर के। ये एक अच्छे आदमी थे इनको भी बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है क्योंकि जंगी आज़ादी में इन्होंने हिस्सा लिया था तो बहादुर शाह फ़र जो थे बीस साल इन्होंने हुकूमत की लेकिन आखिर की जिंदगी इनकी बहुत ही कस्म पुरसी में गुजरी और ये लास्ट एम्प्रर थे इनके बच्चों को ये थोड़े से शायरी का क़ रखते थे इब्राहिम जौक़ को अपने स्टूडेंट बनाया हुआ था जो इनको बल्कि अपना उस्ताद बनाया हुआ था जिन जो इनको शायरी सिखाता था इसी तरह से इनकी ज़िंदगी 1252 में यानी 1837 में एम्प्रायर बने डेली फोर्ट के इस वक्त तक अब जो है मुग़लों की हुकूमत सिमट के सिर्फ दिल्ली के करीब रह गई थी लेकिन थोड़ा सी रमक बाकी थी तो जब लोगों ने दूसरी जगहों से रिबेलियन स्टार्ट की क्योंकि अब ब्रिटिश जो आ चुके थे मैं थोड़ी सी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात करूंगा लेकिन आप समझिए ये वो दौर है जबकि ब्रिटिश ने पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू सौ डेढ़ सौ साल हुकूमत की इंडिया पे उसके बाद फिर उन्होंने ब्रिटिश राज लगाया 1857 के बाद से लेके फिर समझिए सौ साल के लिए नाइनटीन तक जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ तो ये उस दौर की कहानियां हैं जिसमें आखिरी जंग आजादी हुई जिसमें बहुत बुरी तरह से ये हारे और फिर इनको इनके बेटों को इनके सामने कत्ल करके उनके सर लटका दिए गए फिर इनको रंगून भेज दिया गया वहीं पर इनका बुढ़ापे में इंतकाल हो गया ये सारी डिटेल्स हैं इन शाह तला आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक दफा फिर आप देख लीजिए कि मुग़ल हुकूमत जो है बाबर से शुरू होकर बहादुर शाह जफर पर ख़त्म हुई फिफ्टीन से लेके एन तक तकरीबन तक तक तीन सौ तीन, सो तीन साल इनकी हुकूमत रही अच्छा ये एक इसका रिव्यू है ओवरव्यू है एक समरिया है अच्छा ये भी देख लीजिएगा कि उसके बाद फिर ये जो सारी इसी दौरान मुग़लों के दौरान ही लेकिन किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हमले शुरू किए और फाइनली बैटल ऑफ प्लासी हुई आ, आ, वो जो है बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला को शिकस्त देके ब्रिटिश दाखिल हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बक्सार की हुई फिर टीपू सुल्तान से जंगे हुई और फिर बहरहाल ब्रिटिश राज पूरे इंडिया पे लगा दिया गया था अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज़ है थोड़ी सी इसके बारे में बताया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे एक ट्रेड कंपनी थी जिसने 1600 में उसने अपना काम शुरू किया और फिर मुग़ल बादशाहों से इजाज़त ली क्योंकि मुग़लों का भी इसमें ये फ़ायदा था कि ट्रेड होगी और बिल्कुल मासूमियत से ये लोग अंदर दाखिल हुए लेकिन सेवनटीन फिफ्टी तक जो है जो उनकी कमोडिटीज़ थी वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था शुगर सॉल्ट स्पाइस सिल्क टी ओ इन कब्जा तो करने के बाद फिर खून मारना शुरू किया हुकूमतों पे और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश राज लग गया और सारा कुछ को इनके अंडर आ गया बैटल ऑफ प्लासी ये बेसिकली बंगाल बांग्लादेश की तरफ से यहाँ से दाखिल हुए थे और यहाँ बैटल ऑफ प्लासी हुई ईस्ट बंगाल में वहां से फिर राजा को हरा ये आगे बढ़े मेटलोपलासी की डिटेल है किस तरह से गद्दारी की मीर जाफ़र ने जिस तरह उसी तरह से फिर मीर सदक ने टिबू सुल्तान के साथदारी की और ये अब ये, ये सब कुछ अब उनके अंडर आ चुका है हर चीज़ आप देख लीजिए मोहम्मद बिन क़ासम से सिलसिला शुरू हुआ गजनवीद गोरी तुर्क मंगोल दिल्ली सल्तनत मंगल अम्पायर बहमानी सल्तनत बंगाल सल्तनत दक्कन सल्तनत गुजरात सल्तनत मैसूर सल्तनत इन सब को खत्म कर दिया गया लेकिन मुसलमान जो जहाँ जहां पे थोड़े से बच गए थे वो हैदराबाद स्टेट थी जूनागढ़ जम्मू एंड कश्मीर और छोटी छोटी अदर स्टेट थी और ये ट्वेंटी सेंचुरी के एंड तक बस समझिए के आ, रही है करंटली मॉडर्न बांग्लादेश मालदीव एंड पाकिस्तान आर द मोस्ट मेजोरिटी नेशन इन द सब कॉन्टिनेंट बट इंडिया हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन वर्ल्ड ठीक है अच्छा जी मैसूर किंगडम आई टीपू सुल्तान का जिक्र आप सबने सुना होगा हैदर अली टीपू सुल्तान ये पूरा मैसूर का एरिया था यहाँ इन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ सर उठाया इसमें फिर थोड़ी सी सैड बात यह है कि हैदराबाद दक्कन के जो नवाब थे उन्होंने पहले मुसलमानों के साथ थे लेकिन फिर उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया और इसी साथ की वजह से फिर टीपू सुल्तान को भी शिकस्त हुई और इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने फिर फाइनली 1857 में दिल्ली के ऊपर बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था ये सारे एंग्लो मैसूर वॉर्स जो हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल है ये भी आप लोग देख लीजिएगा इन अच्छा जी ये सारी हैदर अली हाँ वो सारे टीपू सुल्तान का भी मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं सब लोग जानते हैं इनका लेकिन इनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो ब्रिटिश ने इनको बहुत मानते थे ब्रिटिश बहुत डरते थे और और बल्कि ये मशहूर था कि एक यंग एज में जब ये बहुत छोटे थे तो इनका एक शेर से मुकाबला हुआ था और इन्होंने शेर को मार दिया था अकेले तो इसी वजह से इनको शेर मैसूर भी कहते थे और वे बहुत ही बहादुर इंसान थे किस तरह से मीर सादिक ने इनके साथ गद्दारी की इनका आर्मी कमांडर था जिस तरह मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी इसी तरह से मीर सादिक ने यहाँ की और फिर आहिस्ता आहिस्ा टीपू सुल्तान को भी फाइनल वॉर में कत्ल कर दिया गया और टीपू सुल्तान कहा करते थे उनका एक बहुत बड़ा कौल मशहूर है कि शेर की गीदड़ की सौ साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है टू लिव लाइक अ लाइन फॉर अ डे इज़ फार बेटर जैक कॉल फॉर हंड्रेड ईयर्स ये इनकी बहुत मशहूर कॉल है जो आज तक सुना जाता है और यह हकीकत भी है अगर आप गड़ बन के ग़ुला बन के सारी जिंदगी ग़ुला करके आपको जीना है साठ सत्तर अस्सी सौ साल तो इससे बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह से जिंदगी गुजारें और अल्लाह को प्यारे हो जाए अल्लाह ताली हम सबकी हिफाजत करें और हम लोगों को हर ग़ुलामी और हर परेशानी से दूर रख और हमें शहर की जिंदगी गुजारने की तोफीक अच्छा टीपू सुल्तान का ये बाकी सारी है मैंने इसलिए डिटेल में स्लाइड बनाई है कि ये बहुत बड़ी हस्ती है जिसको हम सबको एज अ रोल मॉडल स्टडी करने की बहुत साधा जरूरत है अच्छा जी अब सब कॉन्टिनेंट में एंड ऑफ मुस्लिम रूल आता है आफ्टर लूजिंग द इंडिपेंडेंस वॉर इन सेवन मुस्लिम गवर्नमेंट एंडेड इन दब कॉन्टीनेंट द ब्रिटिश रूल जिसको ब्रिटिश राज भी कहते हैं 1947 जब बहुत ज्यादा प्रेशर हिंदू और मुसलमानों के प्रेशर में आके फिर ब्रिटिश ने इंडिया और पाकिस्तान और को आजाद कर दिया था पाकिस्तान और बांग्लादेश एक एक मुल्क मुल्क था था उस वक्त पाकिस्तान के नाम से और इंडिया एक अलग इंशाल्लाह ताला मुझे पता है बहुत सी चीजें मैंने एक ब्रीफ अंदाज में बताई है लेकिन इसका मकसद ही यही था कि एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको मिल जाए आप डॉट्स कनेक्ट करें तमाम पिछली हुकूमतों से लेके आज तक अब हम अगली क्लास में क्योंकि तकरीबन इस्लामिक हिस्ट्री जो है जिसको हम इस इस्लामिक एम्पायर कहते हैं वो खत्म हो गई इस सेशन में आपने देख लिया कि मुगल एम्पायर तो तो खत्म हो गई है उसके बाद तुर्की की जो जो खिलाफत थी वो 1924 तक चली लेकिन ये कि अब हम अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ट्वेंटी सेंचुरी में पूरे नाइनटीन से लेके दो तक और फिर उसके बाद आज तक आज जो है हम 2024 में पहुंच चुके हैं तो पहले 20-24 साल बीसवीं सदी के सॉरी चौबीस साल इक्कीसवीं सदी के और सौ साल बीसवीं के हम सम करने की कोशिश करेंगे अपने अगले सेशन में जिसके अंदर फिर आपको पता चलेगा कि उसके बाद मुसलमानों का जो बढ़ गए थे उनका क्या हाल हुआ तो आज तक के लिए इतना ही इन अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं طيب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته